जय हिंद दोस्तों, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए, आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा और जो मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं शेयर कर दीजिएगा, नहीं बहुत पछताएंगे आप। गवर्नमेंट जॉब में ले मेरे भाई, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपको जो मन करे कीजिएगा। अगर मैं आप लेखपाल में सेलेक्ट हैं तो डीबी स्किप कर दीजिए। सोचिए आप भी कभी बेरोजगार थे, क्या क्या सपने थे कि जॉब पाऊंगा तो ये करूंगा, घर पर कपड़े ले जाऊंगा मम्मी के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, ये पहनूंगा वो पहनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, सब 50 वर्ष थे उसका मैं मतलब कह नहीं सकता कि क्या क्या था। मैं भी जॉब में ही हूँ, मैं भी स्किप कर रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हम लोग के बहुत सपने थे मगर आज हमारी जॉब लग गई तो हम भूल गए हैं कि किस किस परेशानी को झेलने के बाद हम लोग सफलता पाए थे। स्किप कर दीजिए, जिससे छोटे भाइयों को एक जॉब मिल जाएगी, किसी एक बहन को अच्छा घर मिल जाएगा, छोटे भाइयों की का जीवन सुधर जाएगा, एक छोटा सा जॉब, एक इस्टेब्लिशमेंट मिल जाएगा। हम अपने एक झूठी शान के लिए जाएंगे डीबी कराएंगे और स्किप कर दे मतलब सीट खराब कर देंगे और सरकार उसका फायदा ले चली जाएगी। आप एक बार आँख बंद करके सोचिए कि आपके डीबी कराने से कोई फायदा है, आपको छोड़ ही देना है। एक बार अंतर्मन सोचिए, अपने उस बेरोजगारी के मन दिन को याद कीजिए कि कैसे हम लोग बेरोजगार थे तो घूमते थे ऐसे ही, सोचते थे कब लग जाए एक जॉब। आज वैसे ही ये सारे लेखपाल में जो सिलेक्टेड बंदे हैं डीबी के लिए, वो भी सोच रहे हैं कि कैसी तरह एक लग जाए। लड़कों के नंबर बहुत कम भी हैं, 75.75 से कोई का 76 है, किसी का 77, किसी का 78 है। सब लड़के कटाप के लिए मरे जा रहे हैं, कितना जाएगा। तो आप स्किप कर दोगे तो कटाप और कम चली जाएगी। कुछ लोग तो जाहिल हैं, कटाप 81, 82, 80, 85 बता देते हैं, एक दिन तो गजब ही करके 87 भी बता दिया, लड़के परेशान हो जाते हैं। तो इनकी परेशानी आइए हम आप मिल के दूर करते हैं, कट ऑफ को नीचे गिराते हैं, डीबी स्किप करते हैं, ठीक है। आपको कर दीजिए, अब क्या बोलें आपसे। और जो मेरे भाई जॉब में नहीं है, लेखपाल में डीबी सिलेक्टेड हैं, ये मेरा मैसेज सभी भाइयों को सेंड कीजिए। आप अपना काम कीजिए, कम से कम जगह जगह घूम के आप डीबी स्किप अभियान नहीं चला पा रहे हैं तो मेरा वीडियो ही सेलेक्ट कर दीजिए। एक भी भाई ने स्किप किया, समझ लीजिए वीडियो बनाना सफल हो गया। आइए अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। कटा भैया 78 से बाहर नहीं जाएंगे वर्तमान टाइम के हिसाब से, ठीक है। 78.75 मान लीजिए जनरल का, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। गर्ल्स का कटा बहुत कम जाएगा क्योंकि उनको अभी आरक्षण मिला नहीं है। तो गर्ल्स आप लोग जो कटा गई है उससे अगर 2 नंबर भी ज़्यादा हैं तो आप लोग पूरी उम्मीद रखिए कि आपका सिलेक्शन तय है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2 नंबर क्या, अगर 1 नंबर आप ज़्यादा हैं तो मिलेगा क्योंकि आपको अभी 36 आरक्षण मिलना है, आप लोग को मिला नहीं है ना कुछ आरक्षण। OBC कट ऑफ तो श्योरली कम जाएगी क्योंकि उनको भी अभी आरक्षण मिला नहीं है, ठीक है। SC ST वाले तो आगे ही हैं, उनका तो हो ही जाएगा, 75.75 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 75 नंबर चला जाए वही बहुत है SC वालों का। और बात रह गई भैया क्या था, हाँ EWS, तो EWS वाले भी परेशान मत हो यार, आपके लिए 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए आपका EWS, ठीक है। वित्तीय वर्ष ध्यान सुनिएगा EWS वाले भाई, वित्तीय वर्ष 2021-22 का डलवाइएगा और वित्तीय आधार वर्ष 2020-21 गलती मत कीजिएगा, ठीक है। वित्तीय आधार वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 डलवा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। EWS का सर्टिफिकेट देखो यार मैक्सिमम 3 साल तक चल जाता है मगर वो नेट पर शो होना चाहिए। अगर मैं आपके पास टाइम है तो का सर्टिफिकेट जितने लोग बनवा रहे हो नया बनवा लीजिए, डोमिसाइल नया बनवा लीजिए, हो सकता है तो आपके पास टाइम है तो अच्छा रहता है ना, कोई दौड़ाएगा नहीं, नहीं तो आपको 15 दिन का टाइम देगा, आप 15 दिन में
सारे डॉक्यूमेंट लेकर जमा करना पड़ेगा, जो भी आपको छूटेगा। आप डीबी सेलेक्ट हो गए, आपको कोई बाहर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये है ईडब्ल्यूएस का, बहुत सी क्वेरी आ रही तो मैं बता दिया इसलिए आप लोग को, ठीक है। और ये जो कुछ लोग जाहिलपंथी कर रहे थे मेन ग्रुप में कि क्या मैं बताऊँ, अब वो ग्रुप हमेशा के लिए क्लोज्ड हो गया है, अब वो ओपन नहीं होगा जब तक कि आयोग की तरफ से कोई लेटेस्ट न्यूज़ नहीं आती है। तो आप लोग को अगर मैं ओपन डिस्कशन करता है करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हो टेलीग्राम को, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो ग्रुप हमेशा ओपन रहता है, मगर आप वहाँ बदतमीजी करेंगे, गाली गलौज करेंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। सभ्यता से बात रखिए, सभ्यता से डिस्कशन कीजिए पॉजिटिव होकर। और ये जो लोग उज्ज्वला पर केस, उज्ज्वला के लिए कोर्ट गए हैं, सोलर वाले कोर्ट गए हैं, तो आप लोग उनको गाली क्यों दे रहे हो? वो लोग भी तो चाहते हैं जल्दी से निपट जाए, किसी को गाली मत दीजिए, सबका राइट है हाई कोर्ट जाने का। 10,000 का 10,000 का हिसाब मांग रहे हो, अब मुझे क्यों मैसेज कर रहे हो तुम लोग यार 10,000 का हिसाब? तुम लोग मेरे कहने पैसे दिए हो, मैं तो मना कर रहा था कि आपका मन हो तभी पैसे दीजिए किसी को, मैं तो खुद स्किप कर रहा हूँ, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो ना किसी कोर्ट केस में इन्वॉल्व हूँ ना किसी चीज़ में। आप लोग को 10,000 का इन्वॉल्व हिसाब चाहिए? ऐसे ग्रुप खुला तो 10,000 का हिसाब दो, 10,000 का हिसाब दो, सामने होते तो कोई पीटता भी आप लोग को। ये बदतमीजी मत कीजिए आप लोग, सबका राइट है, जिसका मन करे हाईकोर्ट जाएगा, मगर सबका टारगेट यही है कि जल्दी से खत्म हो। दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा, आप लोग 50 बार कोर्ट जाइए, कुछ नहीं होने वाला, कोर्ट भी रिजेक्ट कर देगा। आके UPSI वाला देखे थे आप लोग ना, जो भी होना है दिसंबर से पहले ही होना है, 10-15 दिसंबर तक रिजल्ट वो आ जाएगा, जाइए खूब करिए मौज। दोबारा हिसाब के लिए हमारा मैसेज आया ना, जुतियाऊंगा भी आप लोग को, समझ लीजिएगा। बाकी आप लोग अच्छे से डीबी कराइए, जल्दी से लेखपाल बन जाइए, मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है, ठीक है। चलिए, जय हिंद, भारत माता की जय।